भाइयों और बहनों, हमारा संकल्प किसानों के साथ साथ आदिवासी समाज, श्रमिकों और छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए भी है। श्रमिकों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा शुरू की गई है। जनधन बैंक खाते खुलने से आदिवासी अंचलों, दूर सुदूर के गांवों का आर्थिक समावेश हो रहा है। यहां जो हमारे श्रमिक साथी हैं, मेरे आदिवासी परिवारजन है, जो निर्माण के कार्यों से जुड़े हैं या फिर दूसरे श्रम कार्य से जुड़े हैं, उनको पहले अपना पैसा पाने के लिए भी समस्या होती थी। अब आपका पैसा सीधा आपके बैंक खाते में मिल रहा है। अब आपका डाकघर ही आपका बैंक बनता जा रहा है और आपका डाकिया बैंक बाबू। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर आज चारों दिशाओं में नए नए प्रकल्पों के द्वारा तेज गति से काम चल पड़ा है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा और उनके स्किल को बढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। हाल में ही देश भर में 462 ऐसे स्कूल बनाने का अभियान, एकलव्य स्कूल बनाने का अभियान शुरू भी हो चुका है। इसी तरह आदिवासी अंचल में पर्यटन को रोजगार निर्माण के अहम साधन के रूप में विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं।